हम तो ना शुक्रे थे, आपने हमें साहिर से मिलाया, तो उसकी जरूर कोई वजह होगी, और हमने वो वजह देखने से ही इनकार कर दिया, बस लड़ते रहे साहिर से, खुद से, आप से। झगड़ा हमारा और आपका है, उसमें साहिर को बीच में मत लाइए। कोई चीज जब खोने लगती है तब उसकी कीमत का एहसास होता है। आज हमें पता चला कि साहिर हमारे लिए क्या है। हमारे साहिर को हमसे मत छीनिए, हमारे साहिर को हमें लौटा दीजिए। रजीम चौधरी से निकाह कबूल। साहिर, साहिर, हम कोई नहीं बचेगा, हम कोई नहीं बचेगा, हम कोई नहीं बचेगा। अर्जुन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ साहिर के बारे में। बताइए क्या हुआ हमारे साहिर को? अब बैठो। नहीं, पहले आप बताइए साहिर को क्या हुआ, वो ठीक है ना? डॉक्टर साहब प्लीज बताइए, साहिर ठीक तो है ना? हमारे साहिर को कुछ नहीं हुआ है ना? गोली तो हमने निकाल दी है, लेकिन हॉस्पिटल आने तक बहुत खून बह चुका था। अगले 4 घंटे साहिर के लिए बहुत क्रूशियल है। अगले 4 घंटे में अगर उनको होश नहीं आया तो दवा अपना काम कर चुकी है। अब दुआ कीजिए। अर्जू बेटा, अर्जू अब क्या कहा डॉक्टर ने? अगले 4 घंटे नहीं, कुछ भी नहीं होगा साहिर को। अगर 100 मौतें भी आ जाए तो भी वो मेरा साहिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ नहीं होगा। अर्जू, मैं बस अभी आई, तुम यहीं रुको, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं अभी आई। आपका बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, इससे जरूरी क्या काम हो सकता है? आज आप हमसे नहीं लड़ेंगे,
तुम्हारी ओर देख के ऐसा भी क्या गुस्सा, आप हमसे बात नहीं करेंगे? हमने बोला था ना कि हम दोनों जिद्दी हैं। हम आपसे ज्यादा जिद्दी हैं। अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे ना, हमारी भी जिद है कि हम आपको मना कर रहेंगे। आप अपनी आरज़ू को कैसे छोड़ सकते हैं? हमें गुस्सा करिए, हमसे लड़िए, झूठ बोलिए, पर उठ जाइए, आपकी आरज़ू अधूरी रह जाएगी। साहिर उठिए, हम वादा करते हैं आपकी हर बात मानेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। हमने कभी नहीं कहा साहिर, हम आपके बिना नहीं रह सकते। आरज़ू, एक सेकंड। डॉक्टर साहब। आरज़ू जी, 4 घंटे हो गए, इनको होश आ जाना चाहिए था। 4 घंटे में अभी भी 5 मिनट बाकी है, इन्हें होश आएगा। हमें साहिर आंखें खोलिए, साहिर अपनी आंखें खोलिए, हमसे लड़िए, हमसे झूठ बोलिए। साहिर उठिए ना, साहिर उठिए, उठिए। अर्जु, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। हम ऐसे कैसे जा सकते, हम हमें छोड़ कर नहीं जा सकते। अभी तो कितनी सारी लड़ाइयाँ, कितनी शिकायतें बाकी हैं साहिर, हम इतने सारे काम अधूरे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उठिए ना। आपने तो हम सबको डरा ही दिया था, खासकर आरज़ू जी को। रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर खुराना, मुझे घर जाना। आप ऐसी हालत में नहीं जा सकते साहिर जी। साहिर, आपको आराम की जरूरत है। डॉक्टर खुराना, इस वक्त मेरा घर में रहना बहुत जरूरी है। साहिर, तुम्हारा मेडिकल केयर जरूरी है इस वक्त। आप जानते हैं वो सब घर पे भी हो सकता है। आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन मुझे घर जाना। अगर आप जिद करते हैं तो ठीक है, बट प्रिकॉशंस हैं, नो एक्सर्शन, नो वर्क, कंप्लीट बेड रेस्ट, राइट?
कम वक्त नौकर, कोई काम तो करते नहीं सर। ए लड़की, साहिर की तबीयत कैसी है? साहिर अब बेहतर है, कुछ ही देर में घर आ जाएंगे। हैं? ये कैसा तिलस्मानी बिस्तर है? तूने इस पे कोई जादू टोना तो नहीं किया? नहीं कुर्तियापा, ये गोदरेज का नया कार्बन हाइड्रोलिक बेड है। इसमें आप आसानी से कुछ भी स्टोर कर सकती हैं और कुछ निकाल भी सकती हैं। पहली बार तूने एक अकल की बात की है। ये तो बहुत ही बढ़िया बिस्तर है, कमाल का है ये। हैं? ये कौन सा नया टोटका कर रही है तू? कुर्तियापा, ये गुड नाइट फास्ट कार्ड है, इससे कमरे में मच्छर नहीं आते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जा रही हूं मैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं कौन सा यहाँ बैठ के तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। मैं तो जा रही हूँ, वैसे भी मुझे जीनत और साहिर के लिए अल्लाह मियां से दुआ करनी है। हमने पूछा क्या कर रहे हैं आप? वो वक्त बहुत हो गया था, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही थी, इसलिए मैं। चलिए सो जाइए। कहीं नहीं जाएंगे। अगर मैं कहूं कि मुझे कभी कोई कुछ भी करने से रोकता टोकता नहीं है तो हम कहेंगे कि हर चीज कभी ना कभी तो पहली बार होती है ना। मुझे ऑर्डर लेने की आदत नहीं। तो आदत डाल लीजिए, आपको आराम करने को कहा गया है और आप आराम ही करेंगे। देखो मुझे बहुत काम है। काम का फोन भी आ गया। अब नहीं आ रहा। मेरा फोन वापस करो। हम बैटरी निकाल देंगे फिर आपको दे देंगे। मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो प्लीज। आप बच्चों की तरह बिहेव मत कीजिए, हम आपको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अब बहसबाजी मत कीजिए, आपको रेस्ट करना है, मतलब रेस्ट करना है। और अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे ना तो अल्लाह कसम हम आपको वापस डॉक्टर खुराना के पास ले जाएंगे। एक बात कहूं, आज तक कभी किसी ने मुझ पर इतना हक नहीं जताया। आप सो जाइए। Thank you.
हक अपनी चीज पर जताया जाता है साहिर साहब, और आप हमारे हैं। आज तो हमने साहिर चौधरी को चुप करा दिया। वाह आरजू साहिर चौधरी। साहिर कैसा है? अभी बेहतर है, आराम कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने कुछ खाया? आओ बैठो, खाओ, बैठो। आंटी हमें भूख नहीं है। आरजू, तुम्हारे भूखे रहने से साहिर जल्दी ठीक हो जाएगा क्या? चलो, नहीं खाओगी तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आरजू बेटा, ये लो बड़ा पाव खाओ। नहीं अम्मी, आप खाइए। अरे नहीं बेटा, ये झट से बन जाता है, लो। हनीफ, एक और वड़ा बनाना। ये गोदरेज यमीज मुंबई वड़ा पाव है, अच्छा है ना? एकदम इंडियन टेस्ट है ना? जी हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते। ओके ना, घर में इतने अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ गोदरेज का सिक्योरिटी ड्यूल वीडियो डोर फोर इंस्टॉल करवा दिया। घर में आने जाने वालों पर नजर बनी रहेगी, और पीछे वाले दरवाजे से जो भी आएगा जाएगा उसकी फोटो टीवी में नजर आएगी। बड़ा कमाल की चीज। अब यो देखो, यो पता चल गया कि छोटे भैया आ रहे हैं, और यो भी पता चल गया कि वो कितने हैंडसम है। अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं घर में। पहले तो खतरों के बादल मंडरा रहे थे, अब तो बरसने लगे हैं। एक गोली तो चल चुकी है, पर जाने कितनी बाकी है। पहले भाभी जी पर हमला, और फिर बड़े भैया। ये नियमित हाउस है या कयामत हाउस? ये मजाक नहीं है ऑफिसर। बिल्कुल सही कहा छोटे भैया, ये मजाक ना है, ये तो पहली है पहली। और ये पहली आपको सुलझानी है? अरे सुलझा देंगे मम्मी जी, आखिर सरकार मन ने पहलियां सुलझाने की ही तो तनख्वाह देती है। तो साहब को मेरा साथ देना होगा। सच बता दो, बड़े भैया को गोली लगी तो पुलिस को ना बताया आपने? जी वो रूम में है मगर सो रहे हैं। मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलिया फैक्स करना है, और उस पर मुझे साहिर के सिग्नेचर चाहिए। जब वो जाग जाएंगे वो साइन कर देंगे, लेकिन हम आपको उनकी नींद खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। तुम होती कौन हो मुझे इजाजत देने वाले? आप दुबई गई थी, शायद आपको मालूम नहीं चला हम साहिर की बीवी हैं। ओह माय गॉड, एक हफ्ते में चींटी के भी पर निकला है। अगर आप हमारे शौहर की नींद खराब करेंगे तो अल्लाह कसम, तब आपको पता चलेगा कि ये चींटी सिर्फ उड़ती नहीं काटती भी है।